दोस्तों, आज तक हम में से अधिकतर लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में जितनी नॉलेज है उतनी हिस्ट्री में कभी नहीं थी। इतनी सारी टेक्नोलॉजी, मौजूदा टूल्स और इंटरनेट पर टाइम मैनेज करने की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी अधिकतर लोगों को आज भी अपना टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो सब आज के टाइम के हिसाब से गलत है, सब कुछ पुराना हो चुका है। क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में आज तक जो कुछ भी सीखा है वो सभी लॉजिकल है। तो क्वेश्चन, व्हाट द सोल्यूशन, व्हाट इज द रियल प्रैक्टिकल वेज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो इसका सोल्यूशन ये 7 जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट टिप जो मैंने तैयार की है स्पेशली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स ये देगा। सो वीडियो पूरी जरूर देखना। इसमें सबसे इंपोर्टेंट टिप है नंबर 1 एंड नंबर 7। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1, टू डू लिस्ट बनाइए। आपका दिन एक सही तरह से शुरू होता है जब आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टू डू लिस्ट तैयार करते हैं। इस लिस्ट में वो सारे टास्क शामिल होते हैं जो आपको आज पूरा करने हैं। ये आपको न सिर्फ ऑर्गेनाइज रखता है बल्कि आपको हर एक टास्क को एक नजर से देखने और उन्हें प्रायोरिटी देने का मौका देता है। टू डू लिस्ट बनाते वक्त हर टास्क को एक एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम देना ना भूले ताकि आपको पता चल सके कि आपका दिन किस तरह से गुजरेगा। इससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना समय किस पार्टिकुलर टास्क में लगा सकते हैं। और जब आप एक टास्क को कंप्लीट करते हैं उसे टिक करके देखकर आपको सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मिलता है और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप मोटिवेटेड भी फील करते हो। इन टिप्स को ध्यान में रखकर एक अच्छी टू डू लिस्ट तैयार कीजिए और देखिए कैसे आपके दिन को और भी ऑर्गेनाइज और प्रोडक्टिव बनाता है। नाउ मूविंग ऑन टिप नंबर 2, एक कॉलेज स्टूडेंट का जीवन हमेशा बिजी होता है, इसलिए आपको समय को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। इसके लिए आपको अपने टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करना होगा। प्रायोरिटी देने से मतलब है कि आपको पहले वो टास्क करना चाहिए जो आपके उद्देश्य को पाने में मददगार हो। यदि आप अपने एकेडमिक गोल्स को पाना चाहते हैं तो असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल और स्टडी सेशंस को टॉप प्रायोरिटी देना होगा। प्रायोरिटी सेट करने के लिए आइजेनहोवर मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप टास्क को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। आपको पहले उन टास्क पर ध्यान देना चाहिए जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको टास्क को देखकर डिसाइड करना होगा कि किस तरह से आप उन्हें हैंडल करेंगे। प्रायोरिटी देने से आप समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और उन टास्क को पहले कंप्लीट कर सकते हैं जो सच में महत्वपूर्ण है। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपका फोकस उन एक्टिविटीज पर रहेगा जो आपके उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ाते हैं। अगला टिप है नंबर 3, मल्टीटास्किंग से बचे। मल्टीटास्किंग का असर अक्सर आपके काम की क्वालिटी और एफिशिएंसी पर बुरा असर डाल सकता है। जब आप कई टास्क को एक साथ करते हैं तो आपका ध्यान बट जाता है और आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इससे आपका काम में गलतियां हो सकती है जिससे आपका समय और मेहनत बेकार हो सकते हैं। आपका दिमाग हर टास्क के बीच स्विच करते करते थक जाता है जो आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी पर असर डाल सकता है। अगर आप एक ही समय में कई टास्क को हैंडल करना चाहते हैं तो एक बेहतर तरीका है चंकिंग का इस्तेमाल करना। चंकिंग का मतलब है एक बड़ा काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना और फिर उन पार्ट्स को एक एक करके फोकस करके कंप्लीट करना। इससे आपका ध्यान एक टास्क पर रहेगा और आप उस टास्क को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। याद रखें, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप एक टास्क को सही तरीके से करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसलिए मल्टीटास्किंग से बचें और अपने टास्क को एक एक करके करने का प्रयास करें। अगला टिप नंबर 4, जो मैं भी फॉलो करता हूँ, प्रोमोडोरो टेक्निक। कॉलेज जीवन में लंबे स्टडी सेशन का असर अक्सर कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी पर पड़ सकता है। इस समस्या का समाधान है प्रोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में आप अपने काम को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांट कर करते हैं जिसे प्रोमोडोरो कहते हैं। हर एक प्रोमोडोरो एक 25 मिनट का सेशन होता है जिससे आप बिना किसी इंटरप्शन के फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आपको 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेना होता है जिससे आप रिफ्रेश हो सके। ये साइकिल जब तक चलती है जब तक कि आपने 4 प्रोमोडोरो कंप्लीट नहीं किए हैं। उसके बाद आपको एक लंबा ब्रेक जिसे लॉन्ग ब्रेक कहते हैं लेना होता है जिसका आप 15-30 मिनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोमोडोरो टेक्निक आपको कॉन्सेंट्रेशन में सुधार लाने में मदद करेगा और आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। इस टेक्निक को अपने स्टडी रूटीन में शामिल करके देखिए, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टिप नंबर 5, जो कि यूथ काफी एडिक्टेड है, सोशल मीडिया। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है जिससे आपका समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए आपको अपने सोशल मीडिया यूसेज को कंट्रोल में रखना होगा। अपने फोन या लैपटॉप पर बार बार सोशल मीडिया चेक करके आपका कॉन्सेंट्रेशन काफी इफेक्ट हो सकता है। इसके बजाय आप स्पेसिफिक टाइम स्लॉट डिसाइड कर सकते हैं जहां आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे। इस तरीके से आप अपने काम में फोकस्ड रहेंगे और डिस्ट्रैक्ट बहुत कम रहेंगे। एक और तरीका है डिजिटल डिटॉक्स का।
कुछ समय के लिए एक दिन या एक हफ्ते तक अपने आप सोशल मीडिया से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट होकर अपने टास्क में फोकस्ड रह सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका समय किस तरह से बदलता है और आपका प्रोडक्टिविटी कैसे सुधर जाता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका इस्तेमाल आपके टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाने से बचाए। अपने सोशल मीडिया यूसेज को सही तरीके से कंट्रोल करना आपके कॉलेज जीवन को और भी बेहतर बना सकता है। नाउ टिप नंबर 6, जो आपको फॉलो करने ही चाहिए, कोलैबोरेटिव स्टडी ग्रुप्स। कॉलेज में आपके साथ स्टूडेंट्स आते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और अलग अलग स्किल्स रखते हैं। इस मौके को इस्तेमाल करके आप नए स्किल्स भी सीख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कोडिंग जानते हैं, कुछ स्टूडेंट ग्राफिक डिजाइन में माहिर होते हैं और कुछ स्टूडेंट लीडरशिप स्किल्स के एक्सपर्ट होते हैं। आप ग्रुप स्टडी में नए स्किल्स के साथ फेमिलियर हो सकते हैं और आप अपने पीयर से कुछ नया सीख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप एक दूसरे से इंस्पायर हो सकते हैं और म्यूचुअल लर्निंग से आपका समय और मेहनत दोनों बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। तो ट्राई कीजिएगा कोलैबोरेटिव स्टडी ग्रुप बनाने का। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है नंबर 7, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। कॉलेज लाइफ बिजी और चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को इग्नोर ना करें। रोजाना एक्सरसाइज, जिम करना एक महत्वपूर्ण तरीका है अपने शरीर को फिट रखने का। आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। यह आपको एनर्जी देगा और स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा। अच्छी नींद भी आपके स्वास्थ्य और कंसंट्रेशन को सुधारने में मददगार है, इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स जो आपके कॉलेज जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इन टिप्स को अमल में लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सिस्टमेटिक हो जाता है, आपका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ जाता है और आपका स्ट्रेस कैसे कम हो जाता है। इससे आप अपने कॉलेज जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आपने अगर इस वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो से भी जुड़ते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।